मंच पर विराजमान पूजनीय संत चरण, विभिन्न हिंदू संगठनों के मान्य पदाधिकारीगण, माताओं बहनों, देश बंधुओं, धर्म बंधुओं, अपार प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं मैं भगवान स्वामीनारायण के इस परिवार के बीच में उपस्थित होकर के। भगवान स्वामीनारायण का परिवार है, भारत माता का परिवार है। संसार में केवल हम हैं, केवल हम। किसी के मुंह से सुना है अमेरिका माता, इंग्लैंड माता, ब्रिटेन माता, अफ्रीका माता, लेबनान माता, जॉर्डन माता, टर्की माता, जहां से हमारी भाभी जी आई हैं, इटली माता, अदम्य देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है उस फ्रांस को, कभी सुना फ्रांस माता, जर्मनी माता। हमारा धर्म बंधु कच्छ में तो, गुजरात में तो भूकंप के का हल्का सा आभास, हमारे जापान ने कितना बड़ा संकट झेला है, बार बार संकट आते हैं, लेकिन किसी जापानी को आप करोड़ों रुपए देकर कहिए कि जापान छोड़ दो, वो जापान छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वहीं मरेगा वहीं जिएगा, जापान नहीं छोड़ेगा। भगवान बुद्ध की करुणा जिसके प्रत्येक निवासी के हृदय में रोम रोम में रमी हुई है, देशभक्ति, अदम्य देशभक्ति, कभी सुना जापान माता, चीन माता, रूस माता, सुना कभी? अखिल ब्रह्मांड में केवल हम हैं जो अपनी कंट्री को कंट्री नहीं, लैंड को लैंड नहीं, अपने देश को देश नहीं कहते, मां कहते हैं, भारत माता। और वो हमारा बच्चा है, वो जो चरणों में बैठा है, श्रीलंका, बस, क्योंकि विभीषण महाराज जी की भूमि है, इसलिए वहां हमारे संस्कार हैं, इसलिए वो श्रीलंका माता, बस और कुछ नहीं। मैं लंका को अपने से अलग नहीं मानता। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानो विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना, आठवें मार्कंडे, ये आठ यही तो स्तंभ है हमारे सनातन सत्य सनातन हिंदू धर्म की जीवंतता के, शाश्वतता के, सनातनता के, इसके अजर अमर होने के, अनंत और अनादि होने के। तो बस केवल हम हैं, भारत माता की संतानें, अपने देश को देश नहीं कहती, लैंड नहीं है, कंट्री नहीं है, सब कॉन्टिनेंट नहीं है, कॉन्टिनेंट नहीं है, मां हमारी मां है और हम इसके सिटीजन नहीं है। ये कहां से सिटीजन आया? अंग्रेजों की नकल मत करो सिटीजन। तो जो सिटीज में रहने वाले हैं वो तो सिटीजन हो जाएंगे, लेकिन जो गांवों में रहते हैं उनका क्या होगा? खेडूतों का क्या होगा? वनवासियों का क्या होगा? गिरिजनों का क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पूरी पहाड़ी पर एक मकान वहां, एक मकान वहां, एक मकान वहां, वो तो न तो सिटीजन है, हैं क्या सिटी? कौन सी सिटी? तो इसलिए ये सिटीजन ये हमारा शब्द नहीं है। और भारत कोई सिटी नहीं है? भारत कोई सिटी है क्या कि सिटीजनशिप लिखिए जी मैं इंडियन हूं? कहां से आया इंडिया? कौन इंडिया? कहां का इंडिया? भारत के भाग्याकाश में जवाहरलाल नेहरू नाम के महापुरुष यदि पैदा न हुए होते तो ये भारत ही होता, ये इंडिया नहीं कहलाता। भारत माता है, एक नहीं तीन तीन भरत हैं, क्वार्टर डजन भरत, एक ही भरत काफी है। प्रातः स्मरण में एक ही भरत, इनमें से एक भरत का स्मरण कर लो तो तर जाओगे। भगवान ऋषभदेव आदिनाथ के पुत्र ऋषभ नंदन भरत, कई कई नंदन, दशरथ नंदन भरत और दुष्यंत नंदन, शकुंतला नंदन भरत। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान भारत भारत कहकर के जो बार बार संबोधन करते हैं अर्जुन को, तो वो भरत कौन से हो? तो दुष्यंत नंदन भरत को स्मरण करते हैं। तीन भरत,
इनमें से कौन सा भरत संसार के किसी समाज के पास एक भी भरत ऐसा इनमें इनकी तुलना में इनके पैरों की मिट्टी की बराबरी करने वाला कोई है। हमारे पास तीन भरत हैं और इनको तीनों को जन्म देने वाली हमारी जगत जननी पतित पावनी प्रातः स्मरणीय विश्ववत्सला भारत माता। हमने मां के रूप में देखा है इसको। और हमारी ये NRI क्या होता है? NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी जो है लेकिन नहीं है। नॉन रेजिडेंट क्या होता है? यानी नहीं रहता। कहां नहीं रहता? वहां रहता है ना। कहे नहीं जी मैं तो NRI हूं। क्यों हो तुम्हें NRI? ना इधर का ना उधर का, ये क्या NRI क्या होता है? हटाओ इसको, N को भी हटाओ, R को भी हटाओ, I को भी हटाओ, और ये कहो अगर वहां के नागरिकता तुमको मिल गई है, वहां नागरिकता ही होती है, क्योंकि अमेरिका माता नहीं है, अमेरिका की संतान नहीं होती कोई। जमाने भर का भानुमति का कुनबा इकट्ठा हुआ वहां जाकर के, कोई मूल निवासी नहीं है वहां का। तो यदि पहचान करनी है तो कहो मैं अमेरिकन हिंदू हूं, हिंदू हूं, अमेरिकन हिंदू हूं, ब्रिटिश हिंदू, फ्रांस में रहते हो तो फ्रेंच हिंदू, कनाडा में रहते हो तो कनाडियन हिंदू, अफ्रीका में रहते हो तो कहो मैं अफ्रीकन हिंदू हूं। हिंदू होकर के तुम सारे ब्रह्मांड के निवासी हो जाते हो। और इंडिया तो कटता छटता रहता है। इंडिया काटा जा सकता है, भारत माता काटी नहीं जाती। और जिन्होंने कटवाया है वो जहन्नुम में जाकर रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत उनको जहन्नुम में जाने से रोक नहीं सकती। एक सीता माता का अपमान करने वाली लंका जब भस्म हो गई तो लाखों सीता माताओं की पुत्रियों का जिन्होंने अपमान किया है वो पापी कब तक अपना वजूद बचाएंगे? पाकिस्तान को जाना है, कल नहीं परसों, परसों नहीं बस साल दो साल। ये मैं नहीं कहता हूं, मुझे नहीं कहना है, मुझे क्यों, मैं क्यों कहूं, मैं अपने सिर पर काय को तोहमत लूं, कल को भगवा आतंकवाद का लेबिल मेरे पर भी लग जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर नबी, देखो कितने आदर से बोल रहा हूं मैं, मोहम्मद साहब फरमा गए अपने पाक कलामे पाक में कि 14वीं सदी कयामत की सदी है, उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। ये 14वीं सदी नहीं, 15वीं सदी चल रही है हुजूर आला। आप हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ ले गए थे, उन बातों को, उस वारदात को 1437 साल हो गए। तो जिन जिन को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम पर यकीन है उनको महाकब्र खोदनी चाहिए, उसमें लेट जाना चाहिए, मिट्टी डालने का सहयोग हम भी कर देंगे। अगर यकीन है तो, और यकीन नहीं है तो फिर इधर आओ ना, यहां कभी कयामत होती ही नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान अनादि हैं, शुरू ही नहीं होते, अनंत हैं, खत्म ही नहीं होते, क्योंकि जो एक बार पैदा हुआ है वो खत्म होकर के रहेगा। जातस्य हि ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो पैदा हो गया उसको मरना तो है ही, और वहां एक बार मरने के बाद दोबारा पैदाइश नहीं होती, ना इस्लाम में होती है ना ईसाइयत में होती है। भगवान स्वामी नारायण क्या होती है? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाति ग्रहणा नवानी ग्रहणाति नरो पराणी। हम तो बार बार पैदा होते रहेंगे, हम कभी मरते ही नहीं है, वो माइलस्टोन है। मृत्यु हमारे पुनर्नवीकरण का उपहार है, फिर नवीन पल्लव के समान, किसले के समान, अंकुर के समान हम फिर उत्पन्न हो जाएंगे। भगवान सूर्य में विलीन होंगे। क्यों होंगे? इसलिए कि ऊंची चंदन की चिता, पीपल की लकड़ियों के काष्ठ की 2 गज ऊंची चिता में तपाए हुए सोने के समान दमदमाती हुई अग्नि की लपटों में स्नान करके सीधे ऊपर, सारी दुनिया में लपटें ऊपर ही जाती हैं, नीचे नहीं जाती। तो हम तो भगवान सूर्य में विलीन हो जाएंगे और वो अपनी किरणों के द्वारा हमको फिर से बो देंगे। लेकिन तुम कहां जाओगे? तुमको तो 2 गज जमीन में गड्ढा खोद करके और ऊपर से सीमेंट का चबूतरा और बना देंगे कि कहीं अब्बा जान बाहर ना पैदा, बाहर ना निकल आए। और जब गड़ोगे तो सड़ोगे। गब्बर सिंह ये कहकर गया कि जो गड़ गया सो सड़ गया, कीड़े पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे?
जो नाम मुराद अपने जिस्म को कीड़े पड़ने से सड़ने से नहीं रोक सकते, वो किसी की मुराद कैसे पूरी करेंगे। भगवान स्वामी नारायण के भक्त कभी मरते नहीं हैं, पुनः जन्म लेते हैं, फिर पुनः जन्म लेते हैं, फिर पुनः जन्म लेते हैं, फिर पुनः जन्म लेते हैं। इसलिए मृत्यु का भय, और जिसके हृदय में भय है वो भक्त नहीं हो सकता, और जो भक्त है वो भयभीत नहीं हो सकता। नमक और मिर्च साथ साथ रह सकते हैं, मिर्च और तेज पत्ता, तेज पत्ता और दालचीनी, दालचीनी और अदरक, अदरक और काली मिर्च और लवंग, ये सब साथ रह सकते हैं, परंतु भक्ति और भय ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तुम भयभीत होते हो तो तुम भक्त नहीं हो, और यदि तुम भक्त हो तो तुम भयभीत हो ही नहीं सकते। भक्ति का भय से क्या लेना देना है। भागवत कथा भय को दूर करती है, अभय बनाती है। भगवान की भक्ति अभय बनाती है। अग्नि की ज्वालाओं के बीच में बैठकर की भगवती जगत जननी जानकी अक्षुण्य रहती है। तुलसीदास कहते हैं, श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमरी प्रभु मैथिली। श्रीखंड के सरोवर में जैसे प्रवेश कर रहे हो, इस प्रकार से भगवती जानकी ने अग्नि की लपटों में प्रवेश किया। और फिर अग्निदेव ने प्रकट होकर के कहा, ब्रह्मांड में ऐसा क्या है जिसको मैं भस्मीभूत नहीं कर सकती, लेकिन जानकी के पीतांबर के एक सूत को, एक तार को भी भस्म करने की मुझमें क्षमता नहीं है। ये पावन नहीं है, पावनी है, सारे संसार को पवित्र करने वाली है, क्योंकि भगवान का नाम भगवती के हृदय में विराजमान है। जिनके हृदय में भगवान विराजमान है, काल उनका क्या बिगाड़ सकता है। ऐसी अपार कथाएं श्रीमद् भागवत में आपने सुनी, आगे सुनेंगे। प्रहलाद जी उदाहरण है इसके, ध्रुव उदाहरण है इसके। बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत लंबा समय नहीं है। अभी मंत्र का जिक्र हो रहा था, कैकेयी का जिक्र हो रहा था। कैकेयी माता की बुद्धि खराब हुई क्या? नहीं हुई। मंथरा उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकती है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकती। भगवान जब चलना सीखे तो कौशल्या माता के भवन में एक सेकंड नहीं रुकते थे, भाग भाग करके कैकेयी माता के भवन में जाते थे। और दृश्य यह होता था, एक स्तन से भरत दूध पीते थे, दूसरे स्तन से भगवान राम दूध पीते थे, क्योंकि राम के नेक्स्ट तो भरत ही है ना। भगवान राम के बाद किसका जन्म हुआ? भरत महाराज का जन्म हुआ, उसके बाद लक्ष्मण। परिणाम ये होता था कि फिर कौशल्या भी वहीं आ जाती थी, सुमित्रा माता भी वहीं आ जाती थी। कैकेयी माता का भवन तो आनंद निकेतन था, आनंद धाम था। जितना राम को उन्होंने समझा है उतना किसी ने नहीं समझा। फिर राम को सिंहासन पर बैठने देती, बहुत अच्छा काम हो जाता। फिर उसके बाद क्या होता? यहां कथा होती क्या? हो सकती थी क्या? ठीक है, सिंहासन पर बैठ गए, उसके बाद क्या हुआ? जी बस जी, सवेरे सवेरे उठे, सरयू में जाकर स्नान किया, वहां से लौटे, अग्निहोत्र किया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, उसके बाद जलपान किया, अल्पाहार किया, अल्पाहार के बाद राज्यसभा में गए, वहां पर फाइलें निपटाई, फिर दोपहर का लंच आवर हो गया, उसके बाद उन्होंने लंच किया, उसके बाद फिर सेकेंड सेशन उसमें निपटाया, सांझ को लौटे, अग्निहोत्र किया, स्नान संध्या की और भोजन दुग्धपान, सो गए। दूसरे दिन, जी दूसरे दिन भी यही किया। अब तुम मीनू बता रहे हो कि आज के जलपान में क्या बना था, कल के भोजन में क्या बना था, और डिनर में क्या बना था, और दूध में क्या क्या चीज डाली गई थी। ये कथा है? हो जाएगी कथा इससे? हो जाएगा धर्म का उद्धार सिंहासन पर बैठे रहने से? फेविकोल लगा करके जैसे चिपके चिपक जाते हैं राजनेता आजकल कुर्सी के साथ, फेविकोल लगा करके। ये काम कौन कर सकता था? कौशल्या माता कर सकती थी, सुमित्रा माता कर सकती थी। ये काम दुनिया भर के धिक्कार का, दुनिया भर के कलंक का, दुनिया भर की ग्लानी का जहर पी करके यदि सारे ब्रह्मांड को राम कथा का अमृत दान किया तो वो हमारी प्रातस्मरणीय छोटी माने कैकेयी माता ने किया है। आज अगर राम कथा है तो कैकेयी माता के कारण है। और अगर वो कलुषित होती तो भरत को इंजेक्ट करती रहती, ये बड़की का जो बेटा है ना, इससे सावधान रहना, बड़ा खराब है, ऊपर से मुस्कुराता है,
अगर माँ इंजेक्शन देती रहती जहर के, तो भरत महाराज संसार के सर्वश्रेष्ठ भक्त शिरोमणि होते क्या? कई कई माता की कोख से ही भरत जैसा महात्मा उत्पन्न हो सकता है कि सामान्य महिला की कोख से नहीं हो सकता। माताओं बहनों, भद्र पुरुषों, बस संक्षेप में केवल इतना कहना चाहता हूं, भगवान लीलाएं करते हैं इसलिए कि हमको कथाएं मिलें, अन्यथा भगवान रिमोट कंट्रोल के द्वारा रावण को ब्लास्ट नहीं कर सकते क्या? कुंभकर्ण को फोड़ नहीं सकते क्या? अगर ये काम आतंकवादी कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोलर से ब्लास्टिंग कर सकते हैं, भगवान क्यों नहीं कर सकते? अभी आप इंटरनेट इंटरनेट बोल रहे थे कि इंटरनेट वालों को जय स्वामी नारायण, तो भगवान तो इंटरनेटों के महा इंटरनेट हैं। एक बटन दबाते और रावण ब्लास्ट हो जाता, कुंभकर्ण फूट जाता, मेघनाथ चौपट हो जाता, लंका भस्म हो जाती, छुट्टी। इतनी तकलीफ तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है? कथा कहां से मिलती? भरत कहां से मिलते? लक्ष्मण कहां से मिलते? शत्रुघ्न कहां से मिलते? हनुमान कहां से मिलते? सुग्रीव को सिंहासन पर बैठा दिया, विभीषण को सिंहासन पर बैठा दिया, भगवान को सिंहासन पर बैठा दिया, और स्वयं भगवान के चरणों में जिन्होंने अपना स्थान निश्चित किया, ब्रह्मांड में हनुमान भगवान की तुलना का कोई दूसरा अवतार है? कहां से मिलती ये कथाएं? किसके सहारे जीते तुम? इतने अत्याचार, इतने इतनी बिजलियां, इतने वज्रपात जितने तुम पर हुए हैं, उतने अगर किसी और कौम पर हुए होते तो नेस्त नाबूद हो जाती। लेकिन तुम आज भी जीवित हो और इतने विराट स्वरूप में जीवित हो, तो ये केवल 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 कथाओं का परिणाम है ना। भगवान की लीलाओं का आश्रय तुमको न मिला होता तो तुम कहां जीते? दरिद्र हैं दुनिया के और सब समाज और मजहब, उनके पास रामायण नहीं है, उनके पास भागवत नहीं है, उनके पास कृष्ण नहीं है, उनके पास राम नहीं है, उनके पास बुद्ध नहीं है, उनके पास महावीर नहीं है। हमारे पास संसार की सबसे बड़ी समृद्ध परंपरा है, और मैंने कहा कि जो कभी कहीं पैदा होता है वो कभी न कभी तो खत्म होगा ही। तो जो 1937 साल पहले पैदा हुए हैं, उनको जहन्नुम में जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और जो 2011 साल पहले पैदा हुए हैं वो भी जहन्नुम में जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। परंतु सत्य सनातन हिंदू धर्म कभी पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए वो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। भगवान के समान वो अनादि है, अब भगवान के समान वो अनंत है होते, अब भगवान कहीं समाप्त नहीं होते। और इसी प्रकार जिस धर्म के द्वारा उन्होंने सारे संसार को धारण कर रखा है, उनका वो सत्य सनातन हिंदू धर्म भी कभी शुरू ही नहीं हुआ तो कभी समाप्त भी नहीं हो सकता। इसलिए वो खत्म हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, ये और ये और वो सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम रहोगे, भगवान स्वामी नारायण की चोटी रहेगी, भगवान स्वामी नारायण का यज्ञोपवीत रहेगा। अब बस केवल 2-3 बातें कहकर के छुट्टी लूंगा। ये जो ढोंग करते हो भक्ति का, इतना ये क्यों करते हो? वहां से चलते हो और दंडवत करते, कनक दंडवत करते हुए, अब 25-30 बार जो है वो दंडवत करते हो और सत्य, मैं तुमको प्रणाम करता हूं तुम्हारी भक्ति को, लेकिन जितने दीकरे हैं, जितने दीकरे मैंने यहां देखे, उनके किसी के सिर पर चोटी नहीं। ताली बजाने की बात नहीं है, छाती पीटने की बात है। ये जितने संत यहां बैठे हुए बाल उड़ गए, बाल उड़ने के बाद भी यहां जो बचे हुए हैं उनकी इतनी बड़ी बड़ी चोटियां। भगवान स्वामी नारायण के सन्यासियों का, उनके संतों का ये सबसे बड़ा प्रमाण है, सबसे बड़ी विशेषता है कि वो शिखा का त्याग नहीं करते और सूत्र का त्याग नहीं करते। अगर कोई असली भगवान स्वामी नारायण का उपासक है तो उसको अपने दीकरों के सिर पर सफाचट उस्तरा नहीं फिरवाना चाहिए, उसको चोटी रखने की संस्कार आदत डालनी चाहिए, बाकी सब बेकार चीजें। मुसलमान के छोकरे को जब वो चिपकाई हुई टोपी पता नहीं कैसे चिपकती है, मोटरसाइकिल पर भी उठती नहीं है, वो कुछ न कुछ अंदर चिपकाने वाला कोई सॉल्यूशन वगैरह कुछ न कुछ है, और यहाँ तक का पजामा, यहाँ तक का 1 फिट ऊंचा, और सड़क को झाड़ने वाला कुर्ता, ये पहचान है कि नहीं है? ये यहाँ पर बाल नहीं होने चाहिए, यहाँ दाढ़ी होनी चाहिए। अरे बाबा, अगर खुदावंद करीम को ये यहां पर बाल मंजूर नहीं थे तो उन्होंने पैदा क्यों किए?
और उनको ऊपर मूछ मंजूर नहीं थी और नीचे छिलका मंजूर नहीं था, तो उन्होंने छिलका पैदा क्यों किया? ये भगवान की पैदा की हुई मूछ को और नीचे वाले छिलके को क्यों काट रहे हो नामुरादो? तुमको तो सब कुछ दिया ना, तुम किस खुशी में मुसलमान बनने के लिए तैयार हो रहे हो? यह अंग्रेजी की चुड़ैल का चमत्कार है, यह अंग्रेजी करवा रही है। हमारी सबसे बड़ी शत्रु यदि कोई है तो अंग्रेजी है। पढ़ो जिनको बाहर जाना है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के इतने मुट्ठी भर अंग्रेज यहां आए थे और उन्होंने सारे के सारे आर्यावर्त को अपना गुलाम बना लिया। इस तरह जाओ ना, जहां जाओ वहां अपने सुगंध संस्कृति की, संस्कारों की और धर्म की सुगंध फैलाओ ना, जितनी फैला सको उतना फैलाओ। भरत भाई शास्त्री यही काम कर रहे हैं। जहां एक धर्माचार्य हो, जहां एक पंडित हो, जहां पर एक विद्वान, और जहां भारत माता की एक भी संतान हो, छा जाना चाहिए सारी दुनिया पर। अरे पौने 200 साल तक हमने गुलामी झेली है, अब कम से कम पौने 200 साल सारे ब्रह्मांड पर भारत माता की संतानों का अगर कब्जा हो जाए तो हमको अधिकार है, और हमारा कब्जा हो जाएगा तो दुनिया तर जाएगी। अब तुमने तो जहां जहां गए हो तुमने तो बर्बादी के अलावा कुछ किया नहीं। तुमने तो मंदिर तोड़े, तुमने तो धर्म ग्रंथ जलाए, तुमने तो माताओं बहनों को बेइज्जत किया। तुम बर्बादी के अलावा कुछ जानते ही नहीं हो। जहां जहां खंडहर हैं वो तुम्हारे दस्तखत हैं, और जहां जहां सृजन है वो हमारे हस्ताक्षर हैं। इसलिए यदि हम फैलेंगे तो दुनिया का कल्याण होगा, और दुनिया की कोई गति नहीं है। सारी दुनिया को इंद्रम वर्धन्तो अपतुरह कृणवन्तो विश्वमार्यम, सारी दुनिया में चोटी का, शिखा का, सूत्र का, भगवान स्वामी नारायण के मिशन का प्रचार कीजिए बस। और दो बातें कहनी है बस, वो कहकर समाप्त करूंगा ईमानदारी से, इसके आगे नहीं बोलूंगा। एक तो जिन जिन ने कमर में चमड़े के पट्टे बांध रखे हैं, क्यों बांध रखे हैं चमड़े के पट्टे? वो भैंस का चमड़ा नहीं है, बकरी का चमड़ा नहीं है, मगरमच्छ का चमड़ा नहीं है, गेंडे का चमड़ा नहीं है, ऊंट का चमड़ा भी नहीं है, वो 100% गोमाता का चमड़ा है। इसलिए भगवान स्वामी नारायण के भक्त को किसी भी चमड़े की बनी हुई चीज का, उपकरण का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज नंद महोत्सव हुआ है, छोड़ करके जाओ, और घर में परस वर्ष हो और सब है देवियों के पास हो तो फाड़ फूड़ करके और बिल्कुल चिथड़े चिथड़े करके बाहर फेंको, नहीं तो और कोई ले जाएगा। एक बात। और दूसरी बात, ये भगवान स्वामी नारायण ने तिलक तो यहां बीचों बीच में लगाया है ना? नहीं, कहां लगाया है? बीचों बीच में लगाया है ना? तो ये एकता कपूर के सीरियलों की औरतों को देख देख करके तुमने ये तिलक यहां कैसे, सारी की सारी देवियों ने यहां कैसे उतार लिया, कैसे डाउन कर लिया, ये शर्म नहीं आती क्या? अरे सौभाग्य का सूर्य है, भाग्य के आकाश के बीचों बीच में इसको चमकना चाहिए। इसको डाउन करना, अपने भाग्य को, अपने सुहाग को डाउन करना है। भगवान ने तो 10 साल की उम्र में गोवर्धन उठा लिया था ना, तो इस छोटी सी बिंदी को ऊपर उठाने में कितना समय लगेगा बाबा? दर्पण सामने रखो, यहां से हटाओ और यहां बीचों बीच में। और ये फैशन की चीज नहीं है कि जिस कलर की लिपस्टिक उसी कलर की नेल पॉलिश, उसी कलर की आईब्रो और उसी कलर की चप्पलें और उसी कलर की बिंदी। ना 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 ना, बिंदी केवल लाल ही होनी चाहिए और वो ललाट के बीच में ही होनी चाहिए। तालियां मत बजाओ, मेरे जख्मों पर नमक क्यों छिड़क रहे हो? अगर तुमको अच्छा लगता है तो ये एक महिलाओं को एक बिंदी लिफ्टिंग क्लब प्रारंभ करना चाहिए, और जितने पुरुष हैं उनको चोटी क्लब प्रारंभ करना चाहिए। गुजरात की वसुंधरा पर भगवान स्वामी नारायण की कर्म भूमि, लीला भूमि में एक भी बिना चोटी वाला दिखाई नहीं देना चाहिए, और सब देवियों की माथे पर बीचों बीच में बिंदी होनी चाहिए। बस ये दो बातें आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं।